क्या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और मजबूत होने जा रही है? क्या मोदी लहर के बावजूद हिमाचल में भाजपा को नुकसान झेलना पड़ सकता है? क्या भाजपा आज भी हिमाचल में कांग्रेस के सामने कमजोर है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। हिमाचल में कांग्रेस दो विधायकों को लोकसभा चुनाव में उतार कर भी राज्य सरकार में बहुमत कायम रखने का संदेश देने की तैयारी में। चर्चा है कि कांग्रेस मंडी से विक्रमादित्य सिंह और शिमला से विनोद सुल्तानपुरी को लोकसभा का टिकट दे सकती है। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माना जा रहा है कि दो विधायकों को लोकसभा का चुनाव लड़ाने के बावजूद भी कांग्रेस की सुक्खू सरकार के पास बहुमत कायम रहेगा और भाजपा फिर भी बहुमत के मामले में कांग्रेस से पीछे ही रहेगी। दरअसल मंडी सीट विक्रमादित्य के परिवार की परंपरागत सीट रही है। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह और प्रतिभा सिंह तीन तीन बार चुनाव जीत चुके हैं। शिमला सीट से विनोद सुल्तानपुरी के पिता दिवंगत केडी सुल्तानपुरी लगातार 6 बार सांसद रह चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन आंकड़ों पर गौर करते हुए ही कांग्रेस ने अब मंडी और शिमला से युवा विधायकों को चुनाव मैदान में उतारने का मन बनाया है। अब आपको नंबर गेम बताते हैं कि कैसे दो विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़ाने के बावजूद भी कांग्रेस की सुक्खू सरकार के पास विधानसभा में बहुमत रहेगा। वर्तमान में 62 विधायकों की संख्या वाले सदन में कांग्रेस के 34 और भाजपा के हैं 25 विधायक। 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। अगर 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद मंजूर होते हैं तो सदन 65 विधायकों का ही रहेगा। अगर उपचुनाव में कांग्रेस सभी 6 सीटों पर हार भी जाती है तो भी भाजपा बहुमत के पास नहीं पहुंच सकेगी। सभी उपचुनाव जीत कर भी भाजपा के विधायकों की संख्या 25 से बढ़कर 31 ही होगी। लोकसभा चुनाव में दोनों विधायक अगर जीत जाते हैं तो कांग्रेस के विधायकों की संख्या 34 से घटकर 32 रहेगी। इस स्थिति में बहुमत साबित करने के दौरान कांग्रेस और भाजपा को 31-31 मत प्राप्त होंगे। मुकाबला बराबरी पर रहने से विधानसभा अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा। अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दोनों विधायक हार जाते हैं तो विधायकों की संख्या 34 ही रहेगी, जबकि भाजपा सभी सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद भी 31 के आंकड़े तक ही रहेगी। कांग्रेस के एक विधायक की जीत और दूसरे की हार होने पर कांग्रेस के पास 33 विधायक रहेंगे। अगर कांग्रेस उपचुनाव में भी एक भी सीट जीत गई तो सरकार और मजबूत हो जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस के पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है और भाजपा आज भी खोने की स्थिति में बैठी है, इसलिए कांग्रेस अगर थोड़ा भी रिस्क ले ले तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भले ही लोकसभा चुनाव में भाजपा देश भर में मोदी मैजिक के भरोसे अच्छा प्रदर्शन कर ले, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सियासी स्थिति बाकी राज्यों से कुछ अलग ही गवाही दे रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस का दांव कितना सटीक बैठता है और भाजपा को लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में क्या फायदा या क्या नुकसान पहुंचता है। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।